हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इग्नू के जितने भी स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, एवोल्यूशन सेंटर है, अब वो 50% स्टाफ के साथ ओपन रहेगा। इग्नू ने इससे पहले जो सर्कुलर जारी किया था उसमें इग्नू ने ये साफ कर दिया था। तो उन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने 34th कन्वोकेशन में अपने डिग्री के लिए रजिस्टर किया था और 600 का ऑनलाइन पेमेंट किया था। तो इग्नू ने उनके लिए उनकी डिग्री डिस्पैच करना स्टार्ट कर दी है। ये एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमको ये प्रोवाइड कराया, तो थैंक्स टू हिम। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 34th कन्वोकेशन में अप्लाई नहीं किया है, वो अभी जल्दी से अप्लाई कर ले। इग्नू ने अभी भी पोर्टल को लाइव रखा है। आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, नीचे क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अलर्ट सेक्शन में मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर 34th। और जिन्होंने 33rd कन्वोकेशन में भी नहीं कराया था वो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पर टैप करना होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 34th और 33rd कन्वोकेशन के लिए इग्नू ने पोर्टल को जारी कर रखा है। आप यहाँ पर इसको पढ़ के अप्लाई कर दीजिए और 600 का पेमेंट कर दीजिए, तभी आपकी डिग्री मिलेगी। तो जो इस बार 34th कन्वोकेशन हुआ था उसमें टोटल इग्नू ने 237,844 स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करी थी, पर अनफॉर्चुनेट टोटल 30,000 स्टूडेंट नहीं अप्लाई किया था। तो अभी इग्नू उन्हीं की डिग्री को डिस्पैच करेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड के रीज़न के चलते इस बार जो आपका कन्वोकेशन हुआ था वो वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो जो आपकी डिग्री है वो आपके घर बाय पोस्ट ही मिलेगी, स्पीड पोस्ट के थ्रू, आपको कन्वोकेशन में नहीं दी गई थी, तो बाय पोस्ट ही मिलेगी। तो देखिए, तो जो बाय पोस्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आपका येलो कलर का इन्वलप रहेगा, यहाँ पर इग्नू का लोगो रहेगा, यहाँ पर आपके रीजनल सेंटर के डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारत सरकार, यहाँ पर लिखा होगा, ये जो होगा किस में आएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू आएगा, यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि इस जो इग्नू का डिग्री रहता है ये इसमें क्या क्या रहता है। तो जो डिग्री होती है वो आपको एक साल बाद मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर आपके डिग्री का सीलर नंबर रहता है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल और जो डिजिट होता है उसको मिक्स करके लिखा रहता है। यहाँ पे इनोमेट नंबर होता है वो हमने हाइड कर लिया है ड्यू टू प्राइवेसी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रहता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। दिस इज टू सेटिस्फाई डेट, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है आफ्टर हैविंग पास द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन द एग्जामिनेशन इज हेयर अवार्डेड द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है उसका यहाँ पर नाम रहता है, यहाँ पर डिवीज़न रहता है फर्स्ट डिवीज़न, और यहाँ पर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर रहता है जो इग्नू के हेडक्वार्टर में रहते हैं। यहाँ पर इग्नू का लोगो रहता है और इग्नू के जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, प्रोफेसर नागेश्वर राव, उनका सिग्नेचर रहता है। और यहाँ पर वो डेट लिखा रहता है जब आपका ग्रेड कार्ड में लास्ट मार्क्स अपडेट हुआ होगा, ठीक है। और बात करें तो इसके पीछे क्या होता है, देखिए इसके पीछे कुछ नहीं होता है, इसके पीछे सीरियल नंबर लिखा होता है और यहाँ पर जिन्होंने चेक्ड किया होता है, जिन्होंने इसको डिस्पैच किया होता है उनका सिग्नेचर रहता है। बेसिकली हम इस वीडियो में यही बताना चाहते थे, जिन्होंने 34th कन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था इग्नू ने, उनका डिग्री डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया। तो जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसमें जो पोस्ट मास्टर होगा उसका आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और बार बार आप पोस्ट ऑफिस जाके चेक कीजिए कि आपका डिग्री आया है कि नहीं, ठीक है। जो आपका डिग्री होगा वो बाय पोस्ट ही आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जिन्होंने 34th कन्वोकेशन में अपने डिग्री के लिए अप्लाई किया था और अपने डिग्री के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।